हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कभी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास कभी विजिट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएँ होती हैं जिनको ऐसे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं है, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ एबनॉर्मल। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के लिए जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, वह सिम्टम्स अगर आते हैं तो आपको तुरंत ही गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, और आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, उनको, जो फीमेल्स हैं उनको आप यह वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। और अभी आपने YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि जो फीमेल एज ग्रुप है, सो पहले मैं बात करूँगी कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं, ठीक है, जो भी गर्ल्स हैं जिनका एज 8 साल से लेकर 19 ईयर्स की जो एज है, यह फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद जो है सेकंड, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एंड लास्ट इज़ द मेनोपॉजल एज ग्रुप। सो पहले जो यंग गर्ल्स हैं उनको कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप करवाने की आवश्यकता होती है। यदि कोई लड़की है जिसका पीरियड बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया है, समझो कि 8 साल 9 साल के पहले अगर उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाने की ज़रूरत है, यानी कि उनके मदर, उनके पेरेंट्स या तो गार्डियन उनको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। यदि कोई लड़की है जिसका पीरियड 16 साल के बाद भी अगर शुरू नहीं हुआ है, तो उसको भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाने की आवश्यकता है। दूसरा है कि जब भी पीरियड्स आपके स्टार्ट होते हैं और इन केस पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या तो जो ब्लीडिंग आपकी हो रही है वो बहुत हैवी क्लॉट्स के साथ हो रही है, यदि आपके पीरियड्स जो है वह 2 दिन से कम ब्लीडिंग होती है, या तो आपको मोर देन 7 डेज ब्लीडिंग शुरू रहती है, तो आपको यह एक चिंता का विषय हो सकता है और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना आवश्यक है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, दैट इज़ 28 डेज प्लस और माइनस 7 डेज। सो इन केस आपके पीरियड्स इरेगुलर है, यानी कि पीरियड्स 21 दिन से कम समय में आपके शुरू हो जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 15 डेज में पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, या तो आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, यानी कि मोर देन 35 डेज का आपका साइकिल है, या तो आपको हर 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसे अगर अनियमित यानी इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना आवश्यक है। दूसरा कि आपको अगर डिस्पेरोनिया, यानी कि जब भी इंटरकोर्स करते हैं तभी अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेड़ों के भाग में, तो यह भी एक चिंता का विषय हो सकता है। दूसरा है कि वाइट डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, यानी कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज एक्सेसिव क्वांटिटी में हो रहा है, वह जो वाइट डिस्चार्ज है उसकी वजह से आपके कपड़े, आपके पैंटीज ज़्यादा गीले हो जाते हैं, फाउल स्मेलिंग यानी कि उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, या तो वाइट डिस्चार्ज का कलर जो है जैसे ग्रीन कलर है, या तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, या तो कर्डी वाइट डिस्चार्ज यानी कि कर्ड जैसा, दही जैसा अगर आपका यह वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, और उसके साथ साथ आपको प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग वगैरह की समस्या है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कि फॉर एग्जांपल आप प्रेगनेंसी, जो मैंने बताया कि सेकंड एज ग्रुप जो है, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कि आपकी शादी हो गई है, आपकी एज लेस देन 30 इयर्स है, और आप
प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक साल से ज़्यादा समय हो गया है आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और अभी भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो आपके वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना ज़रूरी है। अगर आपकी एज मोर देन 30 इयर्स है, लास्ट 6 मंथ से या मोर देन 6 मंथ से आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो आप जल्दी ही गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए। दूसरा कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो या तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए सोच रहे हो, तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आगे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूदली रुक जाए, प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और बच्चे को और माँ को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, और एक बार कंसीव हो जाता है तो उसके बाद आपका रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद अगर आपको, जैसे मैंने समझाया कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, तभी भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क करना है। दूसरा कि आपको मीनोपॉज, जैसे कि आपका एज 40, 45, 50, कि आपको ऐसे लगता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या तो आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, मीनोपॉज फेज आ चुका है, अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या तो फिजिकल सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपको पसीना पसीना छूट रहा है, बार बार पेशाब जाने को हो रहा है, पेशाब में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, वजाइना में ड्राइनेस है, वजाइना में बहुत ही इचिंग वगैरह या तो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ज़रूरी है। और दूसरा कि आपको अगर मीनोपॉज आ चुका है, ब्लीडिंग बंद हो चुकी है, 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं और सडनली आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो यह एक बहुत ही रेड अलर्ट हम कहते हैं कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि यूट्रस के अंदर यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी आपको इमीडिएटली आपके नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर विजिट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी सारी महिलाओं को ऐसे लगता है कि मैम डिलीवरीज वगैरह हो चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि मैंने जो सिम्टम्स बताए, जो चिन्ह आपको बताए, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, तभी भी आपको रेगुलर एवरी ईयर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना चेकअप करवाना बहुत ही आवश्यक है। जनरली मेरे जो लेक्चर्स है उसमें मैं बताती हूँ कि मार्च मंथ जो है जिसमें वुमेंस डे आता है, तो आप ऐसा कोई डे फिक्स कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका जो बर्थडे है वो मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो मार्च मंथ जो है विच इज़ सेलिब्रेटेड एज अ वुमेंस डे आता है उस महीने में, तो यू कैन मेक एनी मंथ कि यह मंथ आपको रेगुलर एवरी ईयर ये मंथ में आपको अपना रेगुलर गायनेक चेकअप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम जो चेकअप करते हैं कि आपको जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, बच्चादानी का जो मुख है यानी कि दिस इज़ यूट्रस और ये सर्विक्स, यहाँ से आपका सर्वाइकल कैंसर वगैरह नहीं है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, मेमोग्राफी विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के कोई सिम्टम्स या तो उसके कोई साइंस नहीं है, यह सारा चेकअप आपका वह समय पे किया जाता है। सो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि आप सभी को पता चले कि कौन से समय पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना आवश्यक होता है। सो इन केस आपको यह टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं आशा रखती हूँ कि आपके जितने भी नियर डियर फ्रेंड्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी राइट नॉलेज मिले कि व्हेन यू हैव टू विजिट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।